नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। पंजाब सरकार की तरफ से बटाला के बैरन कॉलेज में से रोड निकालने का मामला अब पूरी तरह से गर्मा चुका है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेताओं ने बगावती सुर बोलना शुरू कर दिए हैं। इस मामले को लेकर जहां पूर्व कांग्रेसी मंत्री अश्विनी सेखड़ी पहले ही साफ साफ विरोध दर्ज करवा चुके हैं, वहीं अब इस मामले को लेकर ईसाई अल्पसंख्यक कमीशन पंजाब के चेयरमैन सलामत मसीह भी कॉलेज से सड़क निकालने को लेकर अपनी ही सरकार का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर पार्टी के अपने ही राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा द्वारा भी मुख्यमंत्री पंजाब को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर कॉलेज से रोड ना निकालने की दरख्वास्त की गई है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को जाति बताते हुए ईसाई समुदाय के साथ अन्याय बताया जा रहा है। इस मामले के विरोध को लेकर आज बैरिंग संस्था द्वारा ईसाई समुदाय को एकत्र कर शक्ति प्रदर्शन किया गया और कॉलेज ग्राउंड में एकत्र हुई भीड़ द्वारा पंजाब सरकार से रोड का रास्ता बदलने की मांग की गई। इस दौरान ईसाई समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि इस जगह पर 100 साल से भी ज्यादा अरसे से बैरिंग संस्था का कब्जा चला रहा है, इसलिए ये पूरी जगह बैरिंग कॉलेज की होने के कारण किसी को भी इसके साथ छेड़छाड़ करने का हक नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब भी अगर सरकार और प्रशासन कॉलेज से रोड निकालने के निर्णय को नहीं बदलती है तो आने वाले समय में संघर्ष का हर एक रास्ता अख्तियार किया जाएगा। ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਗਲਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠਾਕ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 84 ਦੇ 74 ਦੀ ਚਾਰਦਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਟ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਫਾਰ ਮੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅੱਜ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 23 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 23 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ 'ਚ MLA ਬਣਦਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵੋਟ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਕਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੰਤਾ ਰਾਓ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਈ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਫਾਈ ਦੇਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਜ ਇਹ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ, ਇਸਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 17 January ਮੇ ਕਾਲਜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁਆ, ਉਸਮੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਕਰ ਯਹਾਂ ਮਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਇਹ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਾ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸਕੇ ਥਰੂ ਮੇ ਰਾਸਤਾ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो उसमें सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी बेरिंग कॉलेज के साथ जितने भी रिश्ता रखते हैं, ये नॉट ओनली क्रिश्चियंस, बाकी चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, कादियाँ के सारे बच्चे यहाँ से पढ़े हैं और सिख समुदाय, तो सब मिलकर कहे कि ये तो नहीं होना है क्योंकि ये 150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से कितने बच्चे पढ़कर IAS ऑफिसर बने हैं, इंडिया लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सनल बने हैं और बटाला के तो आधे लोग यहाँ से पढ़े होंगे। तो ये जबकि तब से लेकर आज तक हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, आज किसी के दिमाग में कैसे आया कि इसके बीच में से रास्ता निकालें? तो तब से कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रिंसिपल साहब और स्टाफ और बाकी इंस्टीट्यूशन, तब से धरना दे रहे हैं। तो आज जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेथडिस्ट चर्च, सल्वेशन आर्मी चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च और उसके साथ साथ कुछ बाकी जो नॉन क्रिश्चियन स्कूल्स भी, उन्होंने भी इंस्टीट्यूशन को बंद किया है।
ये रोज प्रदर्शन करने के लिए कि जो इंस्टीट्यूशन 150 साल से हम पीसफुली चला रहे हैं तो उसमें बाधा क्यों आप ला रहे हो। तो अभी हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के तरफ से ऐसे डिक्लेरेशन हो, प्रेस स्टेटमेंट दिया जाए कि ये नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक कंजक्शन की बात है तो जो सामने रास्ता है, जब रास्ता को हम चौड़ा करेंगे उसमें दोनों पार चाहे 4 फुट 5 फुट हमें छोड़ना पड़े, हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए है, मगर ये तो तुक बनती नहीं है ना कि कॉलेज के थ्रू हम कुछ करें। सो ऑलरेडी हमने भी कहा है कि रोड को वाइडनिंग करने के लिए जो मेन रोड है उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो हम उसके लिए राजी हैं, और वो भी हमें बिना बताए, इंस्टीट्यूशन को बिना बताए कोई नहीं करेगा। सरकार कहते हैं कि हम रास्ता निकालेंगे, और कॉलेज क्या कहता है, कॉलेज क्या चाहता है? ये असंभव है। कम से कम मैं तो कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होगा। असी डीसी नू मिले सीगे और डीसी नाल साडी गलबात होई सी, साडे चेयरमैन साहब गए सीगे और उन्होंने कहा सीगा भी तुसी जिन्ना भी टाइम लेना वो लो और सारे डाकूमेंट्स जिहड़े ने दोनों पासों देख के किसी नाल कोई ज्यादती नहीं होएगी। उन्होंने सानू आश्वासन दवाया सीगा और उन्होंने कहा सी कि इन द मेन टाइम किसी तरह की कोई भी दखलंदाजी उत्थे नहीं होएगी। नंबर एक, नंबर दो के सरकार दे नुमाइंदे मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर बाजवा ने भी ये गल कही सी कि बेरिंग कॉलेज को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिता जाएगा, इसी ग्राउंड दे विच किसी तरह की कोई भी दखलंदाजी नहीं की जाएगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। सरकार ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही दसिया कि सरकार की जगह बनती है बेरिंग कॉलेज के मैनेजमेंट के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है? मैं लीगल डॉक्यूमेंट की गल कर रहा है कि 31/27 नंबर है जिहड़ा 58 कनाल का रकबा, 58 कनाल प्लस रकबा है और वह सरकार दे रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के जमाबंदी की नकल तुम दिखा दी होएगी मेरे ख्याल, नहीं तो कित भी जाके देख सकते। आने वाले दिन की होगा क्योंकि आने वाले दिनों के सिर्फ अज संघर्ष जोड़ा है, ये कोई अगे सारी संघर्ष नहीं तोड़ांगे जिन्ना चर सरकार जी है वो साढ़े नाल है और सरकार सानू विश्वास बनते हैं, उन्होंने विश्वास भी करते हैं क्योंकि किसी छोटे बंदे ने विश्वास नहीं दिता, डीसी ने विश्वास दिता है और कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ने सानू ये विश्वास दवाया, इस करके असी उन्होंने शब्द जोड़े उन्होंने आने कर। अगर विश्वास टुटता तो फिर विश्वास टुटता है तो फिर अगली रणनीति जी लीकी जाएगी, लोगों मिल के की जाएगी। किस तरह की रणनीति कुछ भी हो सकती है, ये बारे अजे मेरे ख्याल टाइम तो पहल की गल है। वहीं दूसरी ओर अगर बटाला की यातायात समस्या को देखा जाए तो पंजाब सरकार का रोड निकालने का निर्णय समय की मांग के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और सरकार द्वारा बनाया जा रहा ये रोड नया नहीं है, बल्कि रेवेन्यू विभाग के मुताबिक इस जगह पर शुरू से ही रास्ता मौजूद था जिसे कॉलेज प्रशासन द्वारा धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। इस हिसाब से सरकार और प्रशासन कॉलेज का रास्ता ना लेकर पुराने रास्ते पर ही रोड का निर्माण करवाना चाहती है, लेकिन ये कॉलेज प्रशासन को बिल्कुल मंजूर नहीं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।